एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो जैसे कि आज है 19 जून और आज हमारी शादी को हो गए हैं 2 महीने, तो आज हमारा सेकंड मंथ एनिवर्सरी है। वैसे हमने कुछ प्लान किया नहीं था, बट अभी हमने प्लान बनाया, हम बाहर जा रहे हैं ऐसे घूमने के लिए। गुल आओ इधर, वो अभी कपड़े पहन रहे हैं, मैं अभी नहा के आई हूँ और अचानक से हमारा प्लान बना है, अब हम जाएंगे। वाओ वेरी नाइस ना, वेरी नाइस। अभी देखो मेरे बाल भी गीले हो रहे हैं, अब से में टाइम लगेगा वैसे जाने में, थोड़ी देर बाद जाएंगे। और गाइस देखो कपड़े पहन रहे हैं गुल, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो गुल ने पहन लिए कपड़े, आओ अब हम दोनों ने कपड़े पहन लिए, बट अभी नहीं हम जाएंगे, नहीं कोई आधे घंटे बाद जाएंगे, मेरे बाल भी गीले हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम हो रहे हैं रेडी। कैसा लग रहा गुल? मैं सुंदर लग रहा हूँ ना? वैसे हमारा मैचिंग मैचिंग हो गया ना? वैसे तो मैचिंग हुआ नहीं, ऐसे मैचिंग हो गया। अच्छा, कैसा ना हुआ? वैसे तो तुमने पता नहीं अलग पहना है, तुम्हारी ब्लैक है, मेरी ब्लू है जीन्स। ठीक है गाइज, तो हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब हम जाएंगे, अभी मैं रेडी हो जाती हूँ। ओके बाय। तो गाइज मैं अभी भी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि पापा मम्मी अभी नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ गए, किसी काम से बाहर गए। तो तब वो आ जाएंगे तब मैं रेडी होंगी, अभी तो बाल ही नहीं सूख रहे यार, गीले गीले हो रहे हैं। और आज हमने प्लान किया है हम बुलेट से जाएंगे, क्योंकि आई लव बुलेट राइडिंग, गाड़ी से अच्छी लगती है। मुझे तो बाइक ज्यादा पसंद है घूमने के लिए खुली हवा में। तो गाइज हम बुलेट से जाएंगे, आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। और आज हमारी सेकंड मंथ एनिवर्सरी भी, कितनी जल्दी 2 महीने चले गए यार, पता भी नहीं चला। तो जैसे कि थोड़ा देखो मेरा, कैसा फील कर रहे हो आप? बढ़िया मौज आ रही है जी। कितनी मौज? भाव बहुत बढ़िया आ रही है मेरी। भाव एक नंबर है कतई। मैं भाव बहुत बढ़िया आ रही है। मौज आ रही है जी। कैसे? कोई एक खूबी बताओ। खूबी है सारी। कोई एक बताओ। हाँ? एक। कितनी गिनो यार। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। माय गॉड, इतनी तारीफ। ठीक है ठीक है, ओके बाय गाइस, मैं बुलेट चमकाता हूँ इतने, आज हम बुलेट पे जाएंगे। आज बुलेट धो, अब बुलेट धोगे? यस, कपड़ा मांगो। ठीक है, ठीक है गाइस, बाय। अब हम चलने वाले हैं गाइस, प्रिया रेडी हो रही है, ये अपना मेकअप कर रही है और अब हम चलने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर में पापा मम्मी घर आ जाएं फिर हम निकल रहे हैं। देखना चल को एक बार, ये मेकअप कर रही है, मैं आराम कर रहा हूँ थोड़ा सा, खाना खाया अभी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम थोड़ी देर बाद चलने वाले हैं। और देखो मैंने आज अपनी न्यू स्लीपर्स पहनी है फर्स्ट टाइम। तो अभी हम चलेंगे थोड़ी देर बाद, मैं रेडी भी हो गई हूँ, बस वो अब निकलने वाले हैं। बस मम्मी पापा आ गए हैं और वो मेरे लिए लाए हैं जामुन, वेरी टेस्टी, मज़ा आ गया। कम बोलना, तुम्हारा व्लॉग शूट कर रही हूँ। ऐसी होती है लस्सी, देखो मम्मी लस्सी पिला रही है। पापा बढ़िया बना रहे थे, तो इतना फर्क न डाली अभी। तो गाइस अभी हम लस्सी पियेंगे फिर हम जाएंगे, अभी बस निकलने वाले हैं। क्या टाइम हो रहा है गुल? 11 बजे अभी, तो अब हम निकलेंगे फिर देखो किस टाइम तक वापस आएंगे। एक घंटा तो हमें जाने में लगेगा, एक घंटा तो लगेगा ना, 12 बजे पहुँचेंगे। तो
ये तो बहुत सारी थी ना थोड़ी सी। और फिर कितनी है इतनी बहुत। मैं जा रही हूँ तो मैं फेस कवर कर लेती हूँ क्योंकि जैसे कि आपको पता है गर्मी भी बहुत है और बाय द वे मेरा ससुराल भी है ना ये तो मैं फेस कवर कर लेता हूँ बाहर जाने के लिए। ओके मिलती हूँ बैक टू बाय बाय। तो हम हो गए रेडी, देखो मैंने फेस कवर कर लिया। ये गुल्लू है, हम जाएंगे बुलेट पे। वाओ आई एम वेरी एक्साइटेड। सो गाइस हम निकल गए हैं गांव से, निकल गए हैं गांव से बाहर। ये इट्स मी एंड इट्स गुल्लू। ये देखो गुल्लू का गांव बिटॉड है। ये रे इधर इतने सारे और मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना, बाय गॉड मजा आ रहा है बहुत। बुलेट हमारी बिजली है सामने, वो इनकी बिजली है सामने, कहां है वो उधर वाइट वाली। भाई यहां हमारी जमीन खाली है, ऊपर रास्ते की जमीन खाली पड़ी है। हमारे ये हमारे इधर है तीन रास्ते पे, मुझे जो दिख रहा है सीता जी रही थी। अच्छा ये जंगल में रही थी सीता जी? तो ये जंगल जंगल में सीता जी रही थी। इन्होंने बताया मुझे ऐसा, मुझे नहीं पता। पर यार यहाँ पे ना बहुत पेड़ पेड़ ज्यादा है, मतलब डेंजरस सा माहौल है। अच्छा सा भी है बट मिलते हैं पूरा महादेव, अब मिलेंगे हम पूरा महादेव पे। और पता है यहाँ पे बंदर भी बहुत है, अभी तो दिख नहीं रहे है ना बंदर भी है इसमें, मोर भी है सुबह से सब जानवर है। मैंने यहाँ पे एक दिन मोर भी देखा था। आने वाला है पूरा महादेव मंदिर, तो यहाँ पे बहुत फेमस है शिव जी का मंदिर। कभी इधर, हाँ कभी इधर आओ तो आना। धीरे 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 ना जी, हाँ आ रहे हो, आ रहे हो कई लंबे रूट। देखो डोसा खाते हैं हमेशा, मेरे घर के पास है और हमने जा रहे थे तो हमने सोचा है डोसा खा के चलते हैं। जैसे कि हमारी सीट है यही बैठते हैं हम। पता है आपको मैं यहाँ पे मम्मी भी मिली है, मम्मी और शैली। वाओ वो भी यहाँ पे किसी काम से आई थी क्योंकि हमारे घर के पास की मार्केट है। मैं तो इनके गांव से आई हूँ, मुझे अभी मम्मी मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं फिर से मम्मी से मिलाऊंगी, मम्मी कुछ काम से गई है। क्या है नींद आ रही है? ओके तो अभी हम डोसा खाते हैं फिर मिलेंगे। डोसा आ गया है और वो लड़ी है बिल्कुल खाने के लिए, उसे बहुत भूख लगी मुझे भी लगी यार। जैसे कि आपको पता है हमने यहाँ पे पहले भी डोसा खाया है, हमें यही का डोसा पसंद है, बहुत टेस्ट लगता है विद कोल्ड ड्रिंक। ठीक है तो हम खाते हैं फिर मिलते हैं। हमने डोसा खा लिया, देखो मैं प्लेट पे।
और हम दे रहे हैं अभी पेमेंट कर रहे हैं, फिर हम चलते हैं मम्मी के पास। इसको ना खुले हुए देखो, ये रही मम्मी और सैली। वाओ, ये हमें यहीं पे मिल गए। देखो कैसे फील होता है मम्मी के पास आई, मेरे को मेरी मम्मी मिल गई मार्केट में। अभी नीचे आ रही है ये चली। यार स्टाइल मारते हुए आप अकेले क्रॉस करोगे? ब्लैक लेके चलोगे? और कहाँ चलना है? ये तो सामान लेंगे हम चल रहे जा रही हूँ। आप कभी आओगे? कभी भी नहीं।